ये बंद था यार, कितने टाइम से बंद था, ये 2 महीने से बंद था और हम लोग ऐसी एसी चला रहे। ये देखो क्या हालत हो रखी है। ये मेरे को लग नहीं, इसने कभी चेंज कराया नहीं है, मशीनरी ऐसी है, इसको सिर्फ मेंटेनेंस ही चाहिए। जब इंसान को चाहिए तो मशीन को क्यों नहीं चाहिए? वही तो बात मार रहा। ऑयल फिल्टर के चक्कर में सब खोल दिया है। टोटल कॉस्ट बताओ, मेरे को ध्यान में नहीं है। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। भाई सुबह सुबह उठ गया तुम्हारा भाई, सवेरे और मैं कितना बजे उठा, 6:30 बजे। 6:30 बजे उठ के भाई साहब बस जागरण कर रहा हूँ ऊपर से सुबह से। कल का जो ब्लॉग था भाई वो एडिट किया बस, और अभी थोड़ा धूप में आके मैंने सोचा ठंडक ले लेते हैं, गर्मी ले लेते हैं थोड़ी, क्योंकि सुबह सुबह की धूप सही रहती है, दोपहर में तो भाई हालत ख़राब कर देती है। ये देखो आग लगा दी, अब ये सारा जो कचरा वचरा है सब चीज़ें वहाँ पे जला देते। तो ये बीच में कचरा एक उन्होंने इकट्ठा कर दिया। भाई स्विमिंग पूल में नहाने से भाई सब काला हो गया मैं, देख रहे हो, और आना आंखें नहीं खुल रही क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। इतने दिन बाद मैं सुबह सुबह उठा हूँ तो अभी लग रहा है कि सुबह सुबह करना क्या होता है। मैंने साथ सभी कॉफ़ी पी, वीडियो एडिटिंग किया है, और उसके साथ साथ अभी बस शेड्यूल वगैरह करके बस मैंने सोचा कि भाई अभी सुबह सुबह की हो रही है तो दिखा देता हूँ सुबह सुबह मैं कैसा दिखता हूँ। तो इस हिसाब से मैं सुबह सुबह उठ के ऊपर आ गया। धूप देख रहे हो भाई साहब, 12:30 बजे, अभी धूप इतनी तेज है, देखो कितनी गंदी हो रखी है भाई। अभी तक मैंने ये भी नहीं निकाले इसके, देखो इसको हो गया जी काम। चलो अभी इसका ना आज लेके जाना है मैकेनिक के पास पे, और दिखाना है कि क्या सीन है, सिर्फ सर्विस मांग रही है या फिर कुछ और बात है। देखो आवाज फिलहाल तो नहीं आ रही, अभी नॉर्मल ही है, बट दिखा लेंगे क्या सीन है, फिर इसका जो भी सब काम है वो करवाएंगे। इतना ट्रैफिक क्या करूंगा। सामने से बस वाला आ रहा था भाई, मैं मोड़ रहा था, वो इतनी तेज लेके आ रहा था, मैं भाई रुक जा यार क्या कर रहा है, मार दिया गया हमें ऐसे ही। वैसे ही अपनी गाड़ी छोटी है यार, ऊपर से तुम उड़ाओगे तुम्हारी बस का नुकसान हो जाएगा, तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। वैसे ही अपनी नैनो की बिल्कुल की बस चल रहे भाई, क्योंकि बस का नुकसान हो जाए गवर्नमेंट व्हीकल का तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, बुरा लगता है अपने को, दिल से बुरा लगता है। लोग मानते नहीं है। पहुँच ही गए यहाँ पे, अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, बिकॉज इसके बाद सीन क्या है ना, जहाँ जाना है मतलब मैकेनिक के पास, वहाँ पर अभी वो 1:30-2 बजे बुलाया है, तो उसके लिए थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। भाई जब यहाँ आता हूँ ना तो नींद आने लगती है, और बैठ नींद इसलिए आती है कुछ अभी करने के लिए है नहीं, क्योंकि वीडियो जो शूट करनी है ना अभी, तो उसके लिए अभी होली वगैरह चल रही थी तो सब चीज़ें वो हो गया, तो अभी कल से करेंगे, और बाकी तो अभी जो है सर्विस कराने जाना है, तो गो बात कर लेते, एक बार फ़ोन कर लेता हूँ मैं। चलो भाई टाइम हो गया, जाके एक बार काम करते जाके, वैसे भी वो आ गए, अभी गाड़ी हो रखी है बहुत गर्म, बाप रे बहुत गर्म हो रखी है, काश फील कर पाते आप ये दर्द मेरा, वीडियो में पता चल जाता कि भाई कितना गर्म हो रहा है, जितनी गर्म गाड़ी हो रही है उतनी गर्म आपका फ़ोन हो जाता तो मज़ा आता, फिर पता चल जाता कि हाँ लोग भाई हाँ भाई सही बोल रहे हैं। छुपम गाड़ी तो भाई गंदी हो रही, मतलब गर्म हो रही, सीटें भी भाई तो चिपक रही है भाई साहब, स्टीम बात हो जाएगा अगर मैं 2 मिनट और बैठा इधर। दोपहर में निकलने का फ़ायदा ये हो जाता है, भीड़ भाड़ कम मिलती है, कम भीड़ भाड़ रहती है तो ज़्यादा से लगता है गाड़ी आराम से टेंशन फ्री होकर चला सकते हैं। अभी क्या शाम को निकलो तो शाम को इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है ना, बहुत ध्यान से चार तरफ चलानी पड़ती है भाई गाड़ी देख के। अभी क्या है नॉर्मली चलाओ, ग्रीन सिग्नल भी हो रखा है, निकल जाते हैं बस। भाई साहब अभी चेक करना है कि क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सर्विस नहीं कराई थी, सिर्फ ऑयल डलवाया था, अगर देखा जाए तो एक भी सर्विस नहीं हुई जब से मैंने गाड़ी ली। प्रॉपर सर्विस जो होती है ना, जो मतलब कि सब प्लग वगैरह हर चीज़ देखनी होती है, वो चीज़ नहीं हुई है। अब मुझे मैं भूल गया हूँ कि जाना किधर था। हाँ अभी क्लच छोड़ दिया तो चली गई है ना, क्लच दबाने पे ऐसी आ रही है। तो भाई अपने मामा जी के यहाँ आए हैं, तो अभी उनको गाड़ी दिखा देते हैं, वो चेक कर लेंगे। अभी भी इसका है ना मिरर वगैरह सब रखा ही हुआ है मेरे पास, लगाया नहीं है, कहाँ से लगा था मेरे पास वही नहीं है। अब इसका टाइम भी आ गया तो मैं बोला चलो कराएंगे बाद में। और एसी तो बिल्कुल ही हवा ख़त्म हो गई एसी की, गर्म गर्म हवा देता है, अब गर्म हो जाती गाड़ी तो देखते हैं। पीछे से एक तो खुलती नहीं है गाड़ी, बास मार रहा है। एक्सल तो बराबर है ना मेरे, हाँ एक्सल तो ठीक है, कूलेंट नहीं है, कूलेंट डालना पड़ेगा, पानी डाल के काम चला रहा था उस टाइम पे, अगर सर्विस कराऊंगा तभी कूलेंट डलवा दूंगा। पानी है ना अंदर, हाँ कूल नहीं है ऐसा, तो वो बात अलग है, पानी तो मैं खैर को तो चेक करता रहता हूँ कंटिन्यू।
फिर वो नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हीट मार देगी गाड़ी पूरी। स्मेल आ रही है पेट्रोल की, ये यहाँ पे इसमें लीकेज है। वो पेट्रोल के पाइप की वजह से हो रहा है क्या? दूसरी जगह पे करवाया था तो उसने जुगाड़ किया तो दबा के बंद फिर कर दिया था। कार में आया है लेकिन कार में से अभी भी हल्का सा आ रहा है, एकदम हल्का, चूता नहीं है जैसे पिचकारी लगती थी वैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब थोड़ा सा लीकेज कर रहा है। गर्मी भी बढ़ गई है ना, जैसा वो मटके में से कैसा पानी जमता है। और ये तो खैर बराबर है बट इसमें कूलेंट डालना पड़ेगा। मेरे को लग रहा था कि है ना हवा ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी उस टाइम पे उछल रही थी, अभी तो फिलहाल ठीक लग रहा है। ऑयल है, बहुत पतला हो गया ना, वैसे भी चल गई ना कितना 7-8 हज़ार किलोमीटर चल गई गाड़ी। मैं डलवाया तो लास्ट टाइम सेल का 15W40 डलवाया था, अभी 2 दिन पहले गाड़ी मतलब कि चालू की तो बैटरी डाउन हो गई थी गाड़ी की, तो धक्का मार के थोड़ी चालू की तो गाड़ी इंजन नॉर्मल से ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो शायद बैटरी डाउन होगी ना। हाँ तो उसकी वजह से फ्यूल उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा, उसकी वजह से होगा। अच्छा फिर तो अभी नॉर्मल हो गया, अभी तो खैर लेके आया तो इतनी ज़्यादा नॉइस नहीं थी, लेकिन जब क्लच दबाता हूँ ना तो वैसी नॉइस आती है, ऐसा एयर ले रहा हूँ। देखिए प्राइस उसका बताया था अराउंड 1100-1200 समथिंग था, फिर उनके ऑफर के साथ एप्लीकेशन के ऑफर के साथ तो उन्होंने 950 का दिया था टाइम पे, और डाल भी दिया था उधर ही। तो भाई अभी इसका ऑयल निकालेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं दूसरा डालेंगे। हो गई ठंडी गाड़ी, नॉर्मल अभी निकालते हैं इसका ऑयल। ऑयल फिल्टर निकालने बड़ा दिक्कत है, एक तो ऑयल फिल्टर बहुत अंदर डाला हुआ है इसका, ऐसे तो दिखता ही नहीं है। वही तो कॉम्पैक्ट बनाया बहुत ज्यादा, ये सीट भी इधर से खोल दी पूरी, क्या ही बनाया है, निकल जाएगा यहाँ से, निकल जाएगा। ये देखो भाई साहब पूरा यहाँ से पूरा खोल दिया है, ये यहाँ पर लगी होती है पूरा सब सेटअप दिख गया, क्या होता है क्या नहीं होता, इतनी तो मैंने भी नहीं खोली थी कभी गाड़ी जितनी आज खुल गई है। ऑयल फिल्टर के चक्कर में सब खोल दिया है, नहीं दिख रहा यहाँ से, इसको खोलने के बाद भी नहीं दिख रहा है। भाई साहब इसका ऑयल फिल्टर निकालना है ना, मतलब कितना बड़ा टास्क है, ये रहा ऑयल फिल्टर निकालना, बड़ा दिक्कत है, पूरी सीटें खोल दी, सब खोल दिया, निकला है भाई, कितने सालों से नहीं हुआ चेंज, ये निकालने में हालत टाइट हो गई। एक नंबर का पाना लगा है जब जाके, एक नंबर का पाना है बताओ भाई, इसको निकालने में कितनी जद्दोजहद लग गई, बंगाली उर्दू सब सारी लैंग्वेज में लिखा है इसमें, ऑयल फिल्टर पंचर स्पेयर व्हील रखा उसके अंदर पंचर हो या पता नहीं शायद हवा कम हो क्या पता, ठीक है गैस देख रहे हो भाई, एसी का गैस वगैरह भी देख लेते हैं तो वो भी काम हो जाए, गर्मी ने बहुत हालत खराब कर रखी है। प्रेशर तो दिखा रहा है, प्रेशर तो दिखा रहा है, लेकिन अभी चालू करे तो समझ में आएगा। चालू करूँ? नहीं बिल्कुल नहीं ऑयल नहीं है अभी चालू करके, अरे हाँ ऑयल तो निकाल ही दिया। चलो भाई अभी ऑयल फिल्टर वगैरह लेके आते हैं, ऑयल भी लेके आते हैं तो सारा काम हो जाएगा। प्लग भी लेना है, प्लग का साइज लेना है। हाँ प्लग निकाल लो तो फिर प्लग भी ले लेंगे। प्लग खत्म हो गया ना, ये देखो क्या हालत हो रखी है, ये मेरे को लग नहीं इसने कभी चेंज कराया नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि प्लग पे चल रही गाड़ी। हाँ वही तो सेम ही लगते होंगे दोनों। हाँ सबसे बड़ी चीज़ है ये लगाने का, बैटरी ना खाली पड़े वही तो पेट्रोल ना किया था। ये तो भाई चेंज करने बहुत काम रहता है भाई सर्विसिंग में उसके, तो यार क्या बोल। ऐसे बना दिया जैसे मतलब कभी खोलने का ही नहीं है यार ऑयल फिल्टर ऐसी जगह लगा दिया है, अपने ये साफ नहीं कर सकती क्या इसका थ्रोटल बॉडी इधर? नहीं थ्रोटल को छेड़ने का ही नहीं। अच्छा वो प्लग वगैरह अपने ले आए चेंज कर दिया ना, लोग तो बाकी खलास ही हो गए। बाद में फिर कहीं बंद हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, कभी जिंदगी में चेंज ही नहीं किया। हाँ क्या ना लोग सेकंड हैंड ले लेते हैं ना, ज्यादा ध्यान रखते नहीं है, मतलब यार तो अभी कितने लोग मैंने देखे हैं। हाँ ऐसा गाड़ी चल रही है। हाँ चलने दो ऐसा, जब तक खींच रही है तब तक खींचने दो, वैसा रहता है उनका, वही चीज को अच्छे से मेंटेन करके चले तो 5 लाख भी चला लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी को, मशीनरी ऐसी है इसको सिर्फ मेंटेनेंस ही चाहिए।
जब इंसान को चाहिए तो मशीन को क्यों नहीं चाहिए। वही तो, अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक है कि भाई बैटरी अगर खराब हो गई है तो खराब हो ही गई, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। खोल दिया, ठीक कर दिया, एक एक पुर्जा अलग हो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है बराबर। उसका है ना वाटर पंप खोल, ऑयल पंप वाटर पंप दोनों साथ में आएंगे। इसको वाटर पंप डाला, मेरे स्पार्क प्लग के लेके दोनों स्पार्क प्लग चेंज करा दिए हैं। अब देखो शायद देखो क्या एक्सपीरियंस रहता है सर्विस के बाद, फिर वो भी बताऊंगा। थोड़ा पतला ऑयल रहता है ना तो इंजन अच्छा परफॉर्मेंस देता है। फिर सर्दियां तो है नहीं, आपने गर्मी पड़ती ज्यादा तो ऑयल जमने के चांसेस वैसे तो नहीं है। मामा ने भाई सही जुगाड़ कर रखा है ये लाइट का, है ना, डबल टेपिंग वाली है तो लगा देने का ऊपर, क्या मस्त लाइटिंग हो जाए इसमें। ऑयल का काम तो हो गया, ये भाई ऑयल है अपना पुराना वाला, साला शकल दिख सकती है इसके अंदर। वैसे चल जाता ऑयल अभी 2000 किलोमीटर और, बट फिर भी ठीक है, चेंज करा दिया तो अच्छा है। निकल गया सब इसके अंदर ऑयल, मैंने वाटर मिक्स कर रखा था इसकी वजह से नॉर्मल निकला है। अभी पूरा कम्प्लीट कूलेंट डाल देंगे तो मस्त हो जाएगा रेडिएटर भी। यहाँ से भी पूरा क्लीन कर दिया, निकाल दिया भाई सारा पानी इसका, खत्म। चेंज ऑयल, चेंज कूलेंट, चेंज अभी उसका गैस का देखते हैं। तो फिल्टर मेरे पास पड़ा हुआ है, एसी का फिल्टर पड़ा हुआ है नया। एक लगा, एक क्या 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 कर रहे हो? अच्छा वो बड़ा वाला पाइप तो दिख गया है, छोटा वाला याद ही नहीं रहा। वाला नीचे निकलने क्यों लगा? अभी पानी डालना पड़ेगा उसमें। प्योर जाएगा? नहीं, इसमें भी पानी जाएगा। चलो भैया कूलेंट भी फिल, ज़्यादा टाइम हमें ऑयल फिल्टर लगाने लिए में लगा है, बाकी और कुछ काम नहीं था इसमें ज़्यादा। लो जी आ गया पानी, अभी ये पानी इसके अंदर मस्त फिल कर देंगे। कितना ठंडा रहता है भाई, अभी भी ठंडा है ये, कितना ठंडा है ये। देखो चालू करके देखते हैं, न्यूट्रल देख लेंगे। हाँ न्यूट्रल देख, इंजन नॉइज पहले से तो कम हो गया, हो जाएगा साइलेंट थोड़ा पहले क्योंकि खुला है ना, स्टिल अभी कम है। हाँ कवर बंद होगा ना तो फिर अपने आप एनुअल साउंड बैठ जाएगा। साउंड ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अगर इसको खोलता था ना और चालू करना था ऐसा लगता था कि हमने अभी टेम्पो चालू कर दिया। पूरा नया आएगा तो फर्क तो पड़ेगा। हाँ कितनी साइलेंट हो गई है, बहुत साइलेंट है। एक तो हम लोगों ने वो भी चेंज किया ना स्पार्क प्लग, उसकी वजह से भी फर्क पड़ा, मस्त है यार। गैस चेक कर लो मामा, चालू है ही गाड़ी, पता भी चल जाएगा। अभी बंद हो गया शायद, नहीं नहीं चालू है, गैस कम है। और ये वाला फैन भी नहीं घूम रहा, फैन नहीं घूम रहा ना, इसकी वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा है मेरा, तभी सब गर्म हो रहा है। हाथ से घुमाया तो घूम रहा ना कहना। ये एक्चुअली हम लोग एक गाड़ी लेके गए थे ट्रैवल पे, है आगे से दबा दिया लगे फैन, नहीं वो जब एक बार वो लगा था देख ये स्पीड बढ़ा। हाँ एक बार एक्सीडेंट हुआ था मेरा तो ये दब गया था। हाँ तो वो साथ में कंडेंसर भी दबा दिया होगा तो तब से ऐसा दिक्कत कर रहा है। हैं ठंडी तो दे रहा है अभी हवा, कूलिंग देखो भाई यार, गैस तो फिल करना पड़े। फैन नहीं घूमता उसकी वजह से ही शायद ये कूलिंग नहीं दे रहा है। हाँ। देखो अभी कूलिंग आ तो रही है आइडल पे। हाँ, है ना, एसी एयर इसका फिल्टर चेंज कर देना, फिल्टर वो रखा नया। हाँ, ये बढ़ रहा है। उधर वाला देखो सबसे मेन है ना, उधर वाले का प्रॉब्लम है, फ्लो कम है, बीच वाले से साइड में कम ही आएगा। नहीं नहीं ये वाले में भी देखो ना, हाँ ठंडक तो अब बढ़ा ही है, कूलिंग बढ़ा, कूलिंग बढ़ा भाई। ये बीच पे आ गया है, गैस का काटा बीच पे आ गया है। अच्छा रेस करेंगे तो डाउन जाएगा। ये बंद था यार कितने टाइम से बंद था, ये 2 महीने से बंद था और हम लोग एक ऐसी एसी चला रहे, तभी कहूँ कि ये गर्म क्यों हो रहा है। ये भी चलने लगा कि नहीं चलने लगा, इसका फैन चालू नहीं हुआ है रेडिएटर का, अभी फैन बंद हुआ है, चालू करके देखते हैं एक बार। ऐसे हवा चालू एक बार घुमा दिया तो घूमने लगा, मतलब हाथ से घुमाना पड़े। हाँ ऐसा लगे कि नहीं कूलिंग लग रहा है तो नीचे उतर के फैन चेक कर लेने गए।
हाँ तो ये करना पड़े, मतलब खुद से चालू नहीं हो रहा ना अभी, तो चालू हो गया एक बार अपनों ने घुमा दिया हो रहा है अभी, ठंडक नहीं लग रही तो घुमा देने का फैन पकड़ देख लेने का। एसी बंद करो, एसी काहे का? ये तेरा बेरिंग का आवाज है। कौन सी बेरिंग? क्लच बेरिंग। ठीक है, वैसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना चलते वलते में, सिर्फ आवाज करेगा। ठीक है चलेगा। हो गया बंद? हाँ बंद हो गया, एक बार चालू करो। हो गया चालू, हो गया अपने आप चालू। हाँ मेरे को लगता है जब उसने ठोका था ना तो अंदर बम्पर घुस गया था साइड से, तो उसकी वजह से कुछ हुआ। वैसे तो काफी टाइम पहले हुआ था, लेकिन नहीं तो एक बार कबाड़ी में जाके एक बार देख लूंगा तो मिल जाता है तो फिर ले आऊंगा, तो अपने लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाले फैन का जब ईट पकड़ेगा तभी करेगा ना, तभी चालू होगा। तो भाई सीट वीट सब लग गई है वापस कंप्लीट। हो गया भाई रेडिएटर का फैन भी चालू हो गया, मैंने ला के रखा था बहुत दिन से, लग ही नहीं पाया था। चलो यार ये भी फिट हो जाएगा तो ठीक है। ये रहा भाई पुराना फिल्टर, फट गया था जैसा जैसा लगा हुआ था, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। गाड़ी में भाई लाइट आ रही थी अल्टरनेटर की, अब देखो अब आ रही है क्या। चालू कर, चली गई? हाँ अभी नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है? बंद हो गया अभी बेल्ट का भी आवाज़। ठीक है तो फिर डिक्की भी ना खुले, पीछे से नहीं खुलती, मगज मारी तो है यही, और क्या चाहिए गाड़ी में, छोटी गाड़ी में। वही तो पकड़ ले ली, पता चल रही भाई चालू है दम साइल। हाँ अभी तो मालूम भी नहीं पड़ रही कि चालू है फैन। अभी भाई चालू है तो हवा ठंडी दे रहा है और अच्छी दे रहा है, मतलब तेज दे रहा है, ठंडी तो दे रहा है बट गाड़ी उस हिसाब से ठंडी वैसी ठंडी नहीं है। कूलिंग कॉइल तो सर्विस करानी ही पड़ेगी इसकी, तो वही चीज है। अभी बंद कर देते हैं, ये सब काम तो हो गया ऑलमोस्ट सारा काम। एसी भी अभी वैसी आवाज नहीं कर रहा, लोड नहीं आ रहा उतना। बैटरी का जो लाइट आ रहा था अल्टरनेटर का वो भी चला गया। बम्पर भी सेट कर देते हैं यार, अभी जो हो सकता है उस हिसाब से अलाइनमेंट चला तो ये भी कलकवा दिया है यार, बम्पर थोड़ा सेट हो गया है। हो गया है, एक बार चालू करके देखना फैन चल रहा है क्या अभी बम्पर लगाने के बाद। तो भाई सब कंप्लीट हो गया, अभी देखो बजट भी बता दो कितना लगा मेरा सब कुछ, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ सब कुछ कंप्लीट होने के बाद। हाँ वाह भाई वाह, निचोड़ जवा दे वाला अंदर बात बच गया मैं आपको निचोड़ जवा दे बच गया भाई यो मारो बच्ची यो गाड़ी के अंदर की तो एक बार भाई इनको दिखा देते चला के, बच देख लेंगे चला के तो सस्पेंशन सस्पेंशन का अंदाजा आ जाएगा। आई कब कैसा साउंड था और अभी हाँ दम साइलेंट है अभी। आगे की स्टीयरिंग में है, स्टीयरिंग में हाँ स्टीयरिंग रैक खटखटा रहा है, बदलना पड़ेगा। हवा तो इस अभी आने लगी ठंडी, बस आगे वाला फैन चल रहा हो, अंदर बैठे बैठे पता नहीं चलता कि आगे वाला फैन चल नहीं चल रही। हाँ अंदर का पता नहीं चलता, अंदर पे इंजन का भी साउंड का आता ही। हाँ एक्सेलरेशन बढ़ गया पहले से, आपको क्या ही पता चलेगा क्योंकि आप तो, मैं चलाऊंगा तो पता चलेगा क्योंकि आप तो पहले नहीं चलाई ना आपने। और लेकिन गाड़ी एकदम स्मूथ हो गई। हाँ चालू है, हाँ चालू है लेकिन हाँ कूलिंग इसमें भी ठंडी आने लगी, पहले नहीं आ रही थी। तो भाई चलो चल रहे हैं, अभी चेक कर लेते हैं एक बार अभी कितना फर्क पड़ा है एक्सीलेटर में। काफ़ी साइलेंट है, गाड़ी मस्त चालू हो गई है, बस ठंडी ठंडी हवा लगने लगी, ये काम अच्छा हो गया। एक्सेलरेशन तो अच्छा है यार, अच्छा पिकअप दे रही है गाड़ी, वाह भाई वाह।
भाई क्या भाग रही है यार, एक्सेलरेशन नहीं दे रही है, एक्सेलरेशन अच्छा दे रही है, मजा आ गया भाई। अभी 89,963 पे सर्विस कराई हमने, नेक्स्ट सर्विस लाख। ये देखो आंटी को हद होती है भाई, हद होती है, अपने हिसाब से चलती है। भाई नैनो है कि क्या है भाई, इतनी तेज भाग रही है गाड़ी। प्राइस अगर बताऊं मेरी गाड़ी की सर्विस हुई है, टोटल कॉस्ट बताऊं, मेरे तो जान पहचान के थे इसकी वजह से भाई थोड़ा कम लगा। अराउंड मेरे को जो पड़े हैं टोटल मिला के कुछ 1760, मतलब कि 1800 रुपये मान लो, 1800 रुपये में मेरा गाड़ी का सारा काम हो गया है, अल्टरनेटर हो गया और एसी का फैन हो गया, ऑयल वगैरह सब चीज़ें हो गई, ऑयल फिल्टर वगैरह हर चीज़ हो गई, और गाड़ी एकदम प्यारी होगी, एकदम मक्खन जोरदार, ठंडा ठंडक भी कर रही है अभी, एक पैर स्टिल मेरे को ठंडी हवा आ रही है। गौतम भाई को दिखाता हूँ भाई क्या सीन है, बैठो गाड़ी में ठंडे होगी। अरे खर्चा कराया लगता है। अरे भाई कराना पड़ेगा, आगे वाला फैन नहीं चल रहा था इसकी वजह भी ना चले, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं चल रहा था, अभी फैन चलने लगा है। हाँ तो नहीं चल रहा था यार, हीट तो कहाँ हो रही थी गाड़ी, लेकिन अपनी गाड़ी का रेडिएटर क्लीन था ना बस, तो अभी इसमें अल्टरनेटर का भी साइन आ रहा था, अल्टरनेटर भी क्लीन करा दिया और सब ऑयल डलवा दिया, सब कोई लाइट वाइट नहीं आ रही है, एक्सेलरेशन दोनों स्पार्क प्लग चेंज करा दिए, सेकंड पे है, थर्ड पे इतनी तेज आ रही है। कूलिंग अपने मामा के पास यहाँ पे, हाँ मतलब काम मेरे कम में हो गया सब काम इसकी वजह से, आपको भी गाड़ियाँ बढ़िया। अरे यार रितेश के फ्रेंड का है, एक्सेलरेशन तो टॉप नॉच हो गया गाड़ी के भाई, मैं आपको वो दिखाऊंगा, ये एसी की आवाज है, बैरिंग का आवाज है, बैरिंग नहीं कोई बेल्ट का लग रहा है। महीने में एक बार आवाज आता है इसमें, थोड़ा बहुत तो है ही चलेगा, लेकिन अभी ठंडक तो दोनों में बढ़िया दे रहा है, चिल्डनेस है हाँ, लेकिन चिल्डनेस नहीं है क्योंकि ऐसे करो तो ठंडा एकदम लगना चाहिए। गैस भी डलवाई देते अभी इतना किया तो गैस के, गैस के लिए गैस का करेंगे अभी, देखो अगर ऐसा है तो गैस मैं चेंज करवा दूंगा, एक काम करूंगा। नहीं गैस उसमें प्रॉब्लम भी करना निकलना तो नहीं होता। नहीं गैस हम लोगों ने चेक किया मीटर से तो बराबर है गैस, ऐसा 120 रह रहा है और जब गाड़ी चालू कर रहे हैं तो 60 and 20 पे फ्लक्चुएट कर रहा है। एसी फिल्टर चेंज किया है, फिल्टर नया डाला है हमने। देखो भाई प्लेन के फोटो खींचे जा रहे हैं, अरे भाई सच में दिख भी रहा है इधर, हो रहा सामने इस पर दिख रहा है, ये देखो S23 अल्ट्रा का गलत का इस्तेमाल कर रहे हैं ये, थोड़ा और अभी ऐसा लग रहा है सैमसंग अंदर बैठे मुसाफिरों का भी फोटो खींच लेगा, थोड़े टाइम में यही होने वाला है। तो भाई ये था वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना और फॉलो करना, और अपने भाई गाड़ी का नहीं देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, है ना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं, बाकी तो मैं इतना बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अगर आप लोग नए लोग और भी जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, बाकी तो सब बढ़िया है। नैनो का कुछ भी रहेगा, अगर आप लोग भी देख रहे हो, अगर आप भी लेने की सोच रहे हो तो ज़रूर जाके ले लेना भाई, बाकी तो डेली ब्लॉग आते रहते हैं, डेली आपको नैनो दिखाता रहता हूँ मैं, कहीं पर भी जाना आना हुआ, घूमना फिरना। अभी इसका मॉडिफिकेशन, इंटीरियर मॉडिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि छोटा मोटा काम जो है फ्लोरिंग है और सब सीट कवर है और सब हर चीज़ जो है अंदर से कराएंगे। तो भाई फॉलो करना, लाइक करना और सुपर थैंक यू थ्रू सपोर्ट भी कर सकते हो, मेम्बरशिप भी ले सकते हो, तो अपने नैनो फैमिली में ऐड हो जाओ। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय श्री राम, जय भोले नाथ। देखो भाई रात में क्या मस्त लगती है अपनी गाड़ी, मस्त लाइटिंग वाइटिंग के साथ में जबरदस्त।